नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वर्ष के करंट अफेयर्स, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी के बारे में हम आज की इस मैराथन क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आज की महामैराथन क्लास है, ये आप लोगों के उत्तराखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो PCS हो, लोअर PCS हो, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड SI, आपका RO, ARO, VDO, VPDO, कनिष्ठ सहायक, जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास आपकी होने वाली है, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो अपना एक जो वेटेज है वो सभी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। तो उत्तराखंड वार्षिकी करंट अफेयर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेंगे। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इससे पहले हमने उत्तर पाठशाला यूट्यूब चैनल पर जितने भी करंट अफेयर अपने कवर किए थे, उसमें से जो हाल में उत्तराखंड की परीक्षाएं हुई हैं उनमें 30+ क्वेश्चंस उन करंट अफेयर्स से देखने के लिए मिले हैं। और एक जो सीरीज हमने वीडियो वीपीडियो एग्जाम से 15 दिन के लिए चलाई थी, एक रिवीजन सीरीज जो थी, उससे 25+ क्वेश्चंस जो हैं वो वीडियो वीपीडियो एग्जाम में आपको देखने के लिए मिले हैं। और उसी सीरीज में से, यानी कि वीडियो वीपीडियो की जो रिविजन सीरीज थी, उसी में से दोस्तों लोअर PCS का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी दोस्तों आपको 20+ क्वेश्चंस देखने के लिए मिल गए थे। तो आप लोग अगर हमारे पुराने व्यूवर हैं तो आप लोगों को उन एग्जाम्स में फायदा जरूर देखने के लिए मिला होगा, अगर आप लोगों ने वो सीरीज देखी हुई होगी। तो स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपकी इस महामैराथन क्लास में। बात कर लेते हैं आज की इस क्लास के बारे में। तो आज की इस क्लास में दोस्तों जनवरी से दिसंबर तक कि हम सभी करंट अफेयर्स को इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे कि उस करंट अफेयर्स से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन कैसे बन सकता है, किस टाइप से वो MCQ फॉर्म में आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे 2015 से 2020 तक की उत्तराखंड की जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में भी हम आपके बात करेंगे, यानी कि उस योजनाओं में हम बात करेंगे कि ये योजना कब लॉन्च हुई थी, उस योजना का उद्देश्य क्या था, उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि 2015 से 2020 तक की सभी योजनाएं हम एक साथ ही आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे, और 2021 की सभी योजनाएं लगभग इस वीडियो के अंतर्गत आपकी कवर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास को। तो उत्तराखंड वार्ष की करंट अफेयर्स में पहला जो करंट अफेयर है वो है कि उत्तराखंड में दोस्तों पहला बाल थाना खोला गया है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा 22 जनवरी 2021 को उत्तराखंड में पहला बाल थाना खोला गया है। ये जो बाल थाना है दोस्तों देहरादून के डालनवाला कोतवाली में खोला गया है, और इस थाने को खोलने का जो उद्देश्य है वो बाल अपराधियों को सुधारना है। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का पहला बाल थाना जो है वो कहाँ खोला गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, वो होगा आपका देहरादून के डालनवाला कोतवाली में, जिसका उद्देश्य है बाल अपराधियों को सुधारना। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तराखंड के दो व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस जो 2021 का हुआ था उसमें जो है उत्तराखंड से दो व्यक्तियों को अपने क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें पहले व्यक्ति जो है वो है प्रेमचंद्र शर्मा। तो प्रेमचंद्र शर्मा जो है उन्हें कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और दूसरे व्यक्ति जो हैं वो हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस 2021 पर जो उत्तराखंड के दो व्यक्ति हैं उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, या तो सिर्फ एक नाम पूछा जा सकता है, अगर दो नाम पूछेगा तो आपको ए और बी दोनों का ऑप्शन आपको आपके MCQ में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको देखने के लिए मिल सकता है कि गणतंत्र दिवस 2021 में किन दो व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में प्रेमचंद्र शर्मा और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो रुद्रपुर में खुला कुमाऊं का पहला साइबर थाना, तो रुद्रपुर में कुमाऊं का पहला थाना जो साइबर अपराधियों पर रोक लगाने के लिए खोला गया है, ये खोल दिया गया है दोस्तों। ये जो थाना है अभी अस्थाई थाना है, और इस थाने का उद्देश्य जो है वो कुमाऊं क्षेत्र में होने वाले साइबर अपराधों पर रोक लगाना है। इस थाने की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2021 को की गई थी, और दोस्तों 2015 में उत्तराखंड का पहला साइबर थाना देहरादून में खोला गया था, और जो रुद्रपुर में खोला गया साइबर थाना है ये कुमाऊं का पहला साइबर थाना है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो 2021 का जो कुंभ मेला था उसकी जो थीम रखी गई थी वो ग्रीन क्लीन कुंभ पर आधारित थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो गंगा की शुद्धता एवं आवरण की सुरक्षा के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था, और इस कुंभ मेले की थीम थी ग्रीन क्लीन कुंभ पर आधारित थी। नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तराखंड के पुरुकुल गांव में सैन्य धाम स्थित है, और पुरुकुल जो है वो मसूरी में है, और इसे पंचम धाम के रूप में सैन्य धाम का उद्घाटन
23 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा किया गया है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के पंचम धाम के रूप में किसे उद्घाटित किया गया है। तो उत्तराखंड के पंचम धाम के रूप में पुरुकुल गांव का जो सैन्य धाम है उसे उद्घाटित किया गया है, ये आपका आंसर होगा। तो पुरुकुल गांव का जो सैन्य धाम है उसे उत्तराखंड के पंचम धाम के रूप में उद्घाटित 23 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां ई कैबिनेट की पहल की गई है। दोस्तों तो ई कैबिनेट की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड की इस महत्वपूर्ण पहल के लिए दोस्तों अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा वर्ष 2020 के लिए 12 फरवरी 2021 को दिया जाएगा। यानी कि अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट को दिया जाएगा और उत्तराखंड के गोपन विभाग अधिकारी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इसका प्राप्त करेंगे। ई गवर्नेंस में दोस्तों विभिन्न श्रेणियों में बेहतर कार्य के लिए कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं और उत्तराखंड में दोस्तों ई कैबिनेट, ई ऑफिस, ई डिस्ट्रिक्ट और सीएम हेल्पलाइन जैसी महत्वपूर्ण पहलों के शुरू होने से इनके द्वारा सभी कार्य जल्द पूरे हो रहे हैं तथा अलग अलग विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। तो उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां ई कैबिनेट की पहल की गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उत्तराखंड विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल, इन्होंने हाल ही में कामधेनु संहिता नामक पुस्तक का विमोचन किया है और ये जो पुस्तक है दोस्तों रमेश सेमवाल द्वारा लिखी गई है। आपका जो उत्तराखंड का एग्जाम होता है उसमें पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो इस पुस्तक को भी आपसे पूछा जा सकता है। चर्चा में ये पुस्तक रही थी तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कामधेनु संहिता नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है। तो आपका आंसर होगा रमेश सेमवाल के द्वारा। तो कामधेनु संहिता आपकी लिखी है रमेश सेमवाल जी द्वारा, जिसका विमोचन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी जो है वो उधम सिंह नगर जिले में बनाई जाएगी। तो क्रोकोडाइल सफारी जो है वो खटीमा के सुरई वन रेंज के खकरा नाले में उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी बनाई जाने वाली है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है पर्यटकों को बढ़ावा देना और जो क्रोकोडाइल है यानी कि जो मगरमच्छ है उनको संरक्षित करना इस सफारी का मेन उद्देश्य है। तो उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी किस जिले में बनाई जाएगी, तो आपका आंसर होगा उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर के खटीमा में ये बनाई जाने वाली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि गणतंत्र दिवस 2021 पर राजपथ में उत्तराखंड की झांकी केदारखंड ने तीसरा स्थान दोस्तों प्राप्त किया है और राज्य गठन के बाद दोस्तों उत्तराखंड की झांकी को पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है और उत्तराखंड की टीम को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा टीम को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस 2021 पर राजपथ में उत्तराखंड की झांकी का क्या नाम था, यानी कि उसकी थीम क्या थी। तो आपका आंसर होगा केदारखंड और उसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो तीसरा स्थान इसको प्राप्त हुआ था और राज्य गठन के बाद उत्तराखंड की झांकी को पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो डीआरडीओ अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा जो है सफेद दाग के प्रभावशाली दवा को तैयार करने के लिए हेमंत कुमार पांडे को जो है वो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है 2020 के लिए किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था हेमंत कुमार पांडे को, जिन्होंने सफेद दाग यानी कि जो व्हाइट स्पॉट होते हैं उसकी प्रभावशाली दवा को तैयार करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डिस्कवर उत्तराखंड जो है ये उत्तराखंड की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन है और इसका जो कवर पेज है दोस्तों स्टार साहिल खान को इसके लिए लिया गया है, जो युवा फिटनेस आइकन है और इस मैगजीन का उद्देश्य जो है वो है उत्तराखंड को करीब से जानना। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन जो है ये कौन सी है, तो आपका आंसर होगा डिस्कवर उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन क्या है, डिस्कवर उत्तराखंड। तो आप सभी लोगों को दोस्तों जो वीडियो है इसका जो पीडीएफ फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिए गए हैं। तो आप लोग उनके माध्यम से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इस सेशन की पीडीएफ फाइल इस सेशन के एंड होने के बाद देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि सृष्टि गोस्वामी जो है वो बालिका दिवस यानी कि जो 24 जनवरी को मनाया जाता है उसके अवसर पर एक दिन के लिए इन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो काफी चर्चा में भी रही थी। तो सृष्टि गोस्वामी जो है वो हरिद्वार की निवासी है और अभी जो है वो ग्रेजुएशन कर रही है और 24 जनवरी 2021 को इन्हें एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है 24 जनवरी को, उसमें सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तराखंड के पर्यटक मंत्री जो हैं
सतपाल महाराज ने देवीधुरा मेले को राजकीय मेला घोषित किया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है, या ऐसा पूछा सकता है कि इसमें से कौन सा मेला एक राजकीय मेला है। तो आपको चार अलग अलग मेले के नाम दिए जा सकते हैं, देवीधुरा मेला उसमें से एक नाम होगा। तो इसमें से जो राजकीय मेला जो होगा वो देवीधुरा मेला होगा। तो देवीधुरा मेला एक राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज जी के द्वारा। तो देवीधुरा मेला एक राजकीय मेला अब कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि साइनिंग वर्ल्ड केयर अवार्ड से मनीष कुमार पंत को सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो मनीष कुमार को यह अवार्ड जो है वो लॉकडाउन में अनेक लोगों की मदद करने के लिए साइनिंग वर्ल्ड केयर अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड है दोस्तों ताइवान की एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्थान है जिसके द्वारा मनीष को जो है ये साइनिंग वर्ल्ड केयर अवार्ड दिया गया है। मनीष जो है वो उत्तराखंड पुलिस विभाग में फायरमैन के पद पर एक तैनात हैं जिन्हें ये साइनिंग वर्ल्ड केयर अवार्ड दिया गया है। तो साइनिंग वर्ल्ड केयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों मनीष कुमार पंत को। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आपका ये है कि उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल जो है वो टिहरी में बनवाया जाएगा दोस्तों, और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा यह घोषणा की गई है। और ये जो स्कूल होगा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल जो ये होगा इसमें संस्कृत भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी को भी पढ़ाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल जो है वो कहाँ बनाया जाएगा, तो वो है आपका दोस्तों टिहरी में। तो टिहरी में अंतर्राष्ट्रीय स्कूल वैदिक स्कूल बनाया जाएगा जिसमें भाषाएं क्या क्या होंगी, संस्कृत होगी, अंग्रेजी होगी और हिंदी होगी। तो इस टाइप से इसमें भाषाएं होंगी और अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल जो टिहरी में बनवाया जाएगा तीन भाषाओं के साथ इसको चलाया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। तो रेखा नेगी को कुसुम कांता निशंक स्मृति वीरांगना तीलू रौतेली सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मान है दोस्तों उन्हें उत्तराखंड फिल्म एवं नाटक संस्थान और हिमालय विरासन ट्रस्ट उत्तराखंड की ओर से दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया है। तो इस जो करंट अफेयर से आपके तीन क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, यानी कि वीरांगना तीलू रौतेली सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका आंसर होगा रेखा नेगी के द्वारा। अगला क्वेश्चन इससे बन सकता है कि वीरांगना तीलू रौतेली जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपके ऑप्शन में होंगे उत्तराखंड फिल्म एवं नाटक संस्थान, हिमालयन विरासन ट्रस्ट उत्तराखंड, और आपका एक ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, या इनमें से कोई एक आपको दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि तीलू रौतेली जो सम्मान है कि उत्तराखंड फिल्म एवं नाटक संस्थान और हिमालयन विरासन ट्रस्ट उत्तराखंड के द्वारा मिलके इसको दिया जाता है, और 2020 के लिए रेखा नेगी जी को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तराखंड ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में स्की माउंटेनिंग में पहला स्थान दोस्तों प्राप्त किया है। ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे 26 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक के दोस्तों जम्मू कश्मीर में के गुलमर्ग में शुरू हुए थे। तो इसमें जो एक गेम होता है स्की माउंटेनिंग, इसमें उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो उत्तराखंड को खेलो इंडिया विंटर गेम्स में स्की माउंटेनियरिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कि महिला कमांडो को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य जो है वो उत्तराखंड बन गया है दोस्तों। उत्तराखंड अब देश का चौथा ऐसा राज्य बन गया है जिसने पुलिस विभाग में महिला कमांडो दस्ते को तैयार किया है, और 24 फरवरी 2021 को 22 महिला कैट कमांडो को इसमें शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड देश का ऐसा चौथा राज्य बन गया है जिसने महिला कमांडो को अपनी जो पुलिस विभाग है उसमें शामिल किया है। तो महिला कमांडो को पुलिस विभाग में उत्तराखंड के द्वारा शामिल किया गया है, और चौथा ये देश का ऐसा राज्य बन गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा घरों, दुकानों, कार्यालयों, अस्पतालों, लैब, एंटीक केयर सेंटर, नर्सिंग स्कूल आदि से संबंधित अवैध निर्माण को वैध करने के लिए दोस्तों एक बार समाधान योजना जो है ये वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की गई है। तो एक बार समाधान योजना जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है, घरों, दुकानों, कार्यालयों, अस्पतालों, लैब, एंटीक केयर सेंटर और नर्सिंग स्कूल आदि से संबंधित अवैध निर्माण को वैध करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसका नाम क्या है दोस्तों, एक बार समाधान योजना, यानी कि वन टाइम सेटलमेंट योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा लागू की गई है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। नेक्स्ट करंट अफेयर ये है कि रानीखेत व अल्मोड़ा में देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर यानी कि वन चिकित्सा केंद्र बनाया गया है, और 10 मार्च 2021 को रानीखेत अल्मोड़ा में दोस्तों भारत उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलीक सेकेंड युद्ध अभ्यास का भी आयोजन किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डस्टलीक जो युद्ध अभ्यास है ये किन दो देशों के मध्य होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलीक युद्धाभ्यास आपको देखने के लिए मिलता है, और डस्टलीक टू युद्धाभ्यास जो है वो रानीखेत अल्मोड़ा में इस बार किया गया है। आगे बात करते हैं कि भारत
देश का 17वां राज्य बन गया है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाया है। आप सभी को पता होगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है उसके अंतर्गत दोस्तों आप देश के किसी भी जगह से अपना जो राशन है वो ले सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड होगा तो आप अपने पसंद के किसी भी विक्रेता से दोस्तों अपना राशन ले सकते हैं। तो उत्तराखंड जो केंद्र सरकार है उसकी ये पहल है वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसको अपनाने वाला उत्तराखंड देश का 17वां राज्य बन गया है। और उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है दोस्तों जिसने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया है, यानी कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला। आज तक जैसा होता था दोस्तों कि जो एक पिता होता था उसकी संपत्ति पर उसके जो पुत्र होते थे उनका ही अधिकार होता था, यानी कि लेकिन अभी जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है उसने ये बोल दिया है कि जो महिलाएं होंगी उनका भी उस संपत्ति में अधिकार होगा। यानी कि देश का ऐसा पहला राज्य उत्तराखंड है जो महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार दे रहा है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ये रहा कि जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम भरतवाण जी को टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये बन सकता है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम भरतवाण जी का नाम आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। आगे बात करते हैं। देहरादून में उत्तराखंड की लोक संस्कृति एवं परंपरा को बढ़ावा देने के लिए राज्य का सबसे बड़ा ऐपण एम्पोरियम बनाया गया है। तो ऐपण जो है वो उत्तराखंड के कल्चरल पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ऐपण को ऐपण एम्पोरियम जो है देहरादून में उत्तराखंड का सबसे बड़ा एम्पोरियम बनाया गया है जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति एवं परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य बनाया गया है। तो आप लोग का जो क्वेश्चन होगा वो इस टाइप से होगा कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ऐपण एम्पोरियम किस जिले में बनाया गया है। तो आपको आंसर होगा देहरादून में। आगे बात करते हैं कि कोटद्वार का जो नया नाम है वो कण्व नगरी रख दिया गया है दोस्तों। कण्व नगरी यानी कि कण्व ऋषि की तपस्थली होने के कारण कोटद्वार का जो नया नाम है वो कण्व नगरी रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वृक्षारोपण और वर्षा जल संरक्षण आदि के लिए कैंपा योजना के तहत उत्तराखंड का जो बजट है 2020-21 में 215 करोड़ का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ये जो सवाल है दोस्तों यानी कि जो करंट अफेयर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कैंपा योजना का संबंध किससे है। तो आपके ध्यान में रखना है कि कैंपा योजना का जो संबंध है वो वृक्षारोपण और वर्षा जल संरक्षण से है। तो कैंपा योजना आपकी वर्षा जल संरक्षण और वृक्षारोपण से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो करंट अफेयर है वो है कि राम कृपालु दास भरत मिलाप आश्रम के संस्थापक थे जिनका हाल में निधन हो गया है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि भरत मिलाप आश्रम के संस्थापक कौन थे। तो आपका आंसर होगा राम कृपालु दास। अगला करंट अफेयर है कि ऑपरेशनल गाइडलाइन का संबंध किससे है। तो ऑपरेशनल गाइडलाइन का जो संबंध है दोस्तों पिरूल की उपलब्धता को लेकर ऑपरेशनल गाइडलाइन को जारी किया गया था, यानी कि ऑपरेशनल गाइडलाइन का जो संबंध है वो पिरूल की उपलब्धता को लेकर है। तो और रेंजर महिंद्रा गिरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड प्राप्त करने वाली एशिया की एकमात्र व्यक्ति जो है ये बन गए हैं। तो रेंजर जो है वन विभाग के अंदर एक पोस्ट होती है, रेंजर की पोस्ट होती है। तो रेंजर महिंद्रा गिरी को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये प्राप्त करने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा अर्जुन रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है दोस्तों उन्हें लोकगीत के माध्यम से पर्यावरण एवं वनों को संरक्षण प्रदान करने एवं जागृति फैलाने के लिए दिया गया है। तो दोस्तों जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी उन्हें दिया गया है अर्जुन रावत पर्यावरण पुरस्कार। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अर्जुन रावत पर्यावरण पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को अर्जुन रावत पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पिथौरागढ़ जिला पंचायत जो है उसे त्रिस्तरीय पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और त्रिस्तरीय पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिला पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इस बार जो है पिथौरागढ़ जिला पंचायत को उत्तराखंड के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो ये पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अल्मोड़ा जिले में देश का पहला हीलिंग सेंटर बनाया गया है दोस्तों। और ये जो अनुसंधान अल्मोड़ा रानीखेत के
कलिका के जंगल में भारत के पहले हीलिंग सेंटर यानी कि वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो तनावग्रस्त लोग हैं उन्हें तनाव से बाहर निकालना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो ये हीलिंग सेंटर है 13 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और वही चिकित्सा जो केंद्र है ये जापानी एक तकनीक पर आधारित है। तो जो ये हीलिंग सेंटर है दोस्तों, ये वनों के द्वारा, जो वनों में जो वनों की एक सरसराहट की जो आवाज़ें होती हैं, जो चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ होती है और जो कलकल ध्वनि जो हमारी नदियां हमारे वनों में करती हैं, उन उन सभी की आवाज़ों के माध्यम से एक प्रकार से जो तनाव में लोग होते हैं उन्हें एक रिलैक्स प्रदान किया जाता है इस हीलिंग सेंटर में। तो देश का पहला हीलिंग सेंटर जो है वो अल्मोड़ा में बनाया गया है, जो एक जापानी टेक्निक पर आधारित है, इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना को उत्तराखंड में लागू किया गया है, और ये योजना है ये क्या है, तो गर्भावस्था के समय दोस्तों सभी गर्भवती महिलाओं को अधिक से अधिक स्वच्छता और पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें अच्छे से पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता और नवजात शिशुओं को भी इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। और इस समस्या को देखते हुए उत्तराखंड की जो राज्य सरकार है उसने उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2021 को आरंभ करने की घोषणा की है। ये जो योजना है दोस्तों मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR के साथ साथ शिशु मृत्यु दर IMR को भी कम करेगी। इससे उनके स्वास्थ्य में रहन सहन और में निश्चित रूप से बदलाव आएगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। तो मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना का उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है, और ये योजना है गर्भावस्था के समय गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देने से संबंधित ये योजना है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को जो है पौष्टिक आहार मुहैया कराया जाता है। ये योजना इस बारे में है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना का संबंध किससे है, तो गर्भावस्था के समय पौष्टिक आहार देने से इसका संबंध है। ये लागू की गई है उत्तराखंड में 2021 में से लागू किया गया है मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना को। नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्य में जो है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 22 मई 2021 को शुरुआत की गई है इसकी, और इस योजना के तहत कोरोना की वजह से माता पिता को खो चुके जो अनाथ बच्चे हैं दोस्तों, 21 साल तक बच्चों का भरण पोषण और 3,000 रुपये प्रतिमाह गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें दिए जाएंगे, और इनके भरण पोषण और शिक्षा की पूरी व्यवस्था जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा, और 5% का जो आरक्षण है इन्हें सरकारी नौकरी में भी देने का प्रावधान है उत्तराखंड में जो है वात्सल्य योजना के अंतर्गत। तो वात्सल्य योजना का संबंध जो है जो कोरोना काल में अनाथ हो चुके बच्चे हैं उनसे संबंधित है, जिसकी शुरुआत 22 मई 2021 को राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल म्यूजिक कंपोजिशन अवार्ड 2021 जो है वो फलक सेतुड़ी ने इसमें अपना पहला स्थान प्राप्त किया है। फलक सेतुड़ी जो है वो चंपावत जिले की रहने वाली हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल म्यूजिक कंपोजिशन अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय मंगल संगीत कंपोजिशन प्रतियोगिता 2021 में प्रथम स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया है, तो फलक सेतुड़ी के द्वारा ये प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है जो चंपावत जिले की रहने वाली हैं। नेक्स्ट बात करें तो उत्तराखंड में जैविक उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उगाई जा रही बाजरा की पहली फसल डेनमार्क को निर्यात की जाएगी दोस्तों। तो जो जैविक उत्पाद हैं अभी वर्तमान में ट्रेंडिंग में रह रहे हैं, और इसी में जो है बाजरे की एक जो फसल है ये पहली फसल है जो डेनमार्क को उत्तराखंड निर्यात करने जा रहा है, यानी कि उत्तराखंड से भी अब फसलों की एक्सपोर्टिंग जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। तो उत्तराखंड में जैविक उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो उगाई जा रही बाजरा की पहली फसल डेनमार्क को निर्यात की जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड का प्रथम लोक देवता म्यूजियम जो है वो सल्ट अल्मोड़ा में बनाया जाएगा। सल्ट अल्मोड़ा में ये मलिना देवी मंदिर में दोस्तों ये बनाया जाएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का प्रथम लोक देवता म्यूजियम जो है वो कहाँ बनाया जाएगा। तो आपको अपना आंसर आपका याद होना चाहिए कि सल्ट अल्मोड़ा में मलिना देवी मंदिर में ये बनाया जाएगा लोक देवता म्यूजियम। नेक्स्ट बात करते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये पर्यावरणविद थे और पर्यावरण क्षेत्र से इनका संबंध था। 21 मई 2021 को कोरोना के कारण इनका निधन हो गया था दोस्तों, और सुंदरलाल बहुगुणा को दोस्तों 2009 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा को निम्न में से किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए 2009।
और इन्होंने की जो पत्नी थी श्रीमती विमला नौटियाल, उनके सहयोग से इन्होंने सिलियारा में पर्वतीय नवजीवन मंडल की भी स्थापना की थी दोस्तों। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना सुंदर लाल भोगुणा के द्वारा की गई थी, और 1971 में इन्होंने शराब की दुकानों को खोलने से रोकने के लिए सुंदर लाल भोगुणा ने 16 दिन का अनशन किया था, और चिपको आंदोलन का प्रणेता भी इन्हें कहा जाता है। चिपको आंदोलन के कारण ये विश्व भर में दोस्तों वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा एक बहुत महान हस्ती थी उत्तराखंड की, जिनका 21 मई 2021 को निधन हो गया है, और इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे उसके नाम से इन्हें जाना जाता था। पर्वतीय नवजीवन मंडल की इसने स्थापना की थी, और इन्हें 2009 में पद्म विभूषण भी दिया गया था। आगे बात करते हैं कि देश का पहला लाइकेन पार्क जो है वो मुंशारी में, जो पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत है, उसमें बनाया गया है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र में भी जगह दी गई है। इसकी स्थापना जो है 27 जून 2020 को की गई है। तो देश का पहला जो है लाइकेन पार्क जो बनाया जाएगा वो पिथौरागढ़ के मुंशारी में बनाया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ मुंशारी में दोस्तों पिथौरागढ़ जिले का पहला मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाने वाला है। तो मुंशारी जो पिथौरागढ़ में है उसमें पिथौरागढ़ जिले का पहला मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें मशरूम उत्पादन के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वो मशरूम को उत्पादित करके अपनी आय को बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो महिला चालक के द्वारा सफारी कराने वाला देश का पहला नेशनल पार्क बन गया है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क महिला चालक द्वारा सफारी कराने वाला देश का पहला नेशनल पार्क बन गया है। सफारी ये होती है दोस्तों कि आपको एक खुली गाड़ी में पूरे नेशनल पार्क की सैर कराई जाती है, और गाड़ी को जो चालक चलाएगा उसमें महिला चालक रखा गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और ये देश का पहला पहला नेशनल पार्क है जिसने महिला चालक के द्वारा सफारी कराने का फैसला लिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि ललित शौर्य को बाल साहित्य श्री सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। इनकी जो पुस्तक थी कोरोना वॉरियर्स के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। ये जो हैं पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं। तो 2021 का बाल साहित्य श्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है अगर आपसे पूछा जाए, तो ललित शौर्य जी को बाल साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और आपसे पुस्तक भी पूछी जाती है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोरोना वॉरियर्स जो है ये किसके द्वारा रचित एक पुस्तक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ललित शौर्य जी के द्वारा पुस्तक रचित जो है उसका नाम है कोरोना वॉरियर्स। आगे बात करते हैं कि उत्तराखंड की जो नेहा राणा है उन्हें टेस्ट क्रिकेट के डेब्यू मैच में 4 विकेट व 50 से अधिक रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर वो बन गई हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिसने अपने डेब्यू मैच में 4 विकेट और 50 से अधिक रन बनाए थे। तो आपका आंसर होना चाहिए नेहा राणा, जिनका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। इस टाइप की जितनी भी न्यूज होती है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे उत्तराखंड को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। तो उत्तराखंड की नेहा राणा जो है टेस्ट क्रिकेट के डेब्यू मैच में 4 विकेट और 50 से अधिक रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। आगे बात करते हैं कि उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में उत्तराखंड का क्या हाल है वो देख लेते हैं। कि हाल ही में जो है नीति आयोग ने 2020 की सतत विकास लक्ष्यों की जो रैंकिंग जारी की है उसमें उत्तराखंड ने 9वें से 3रे स्थान पर छलांग लगाई है। यानी कि सतत विकास लक्ष्यों के लिए जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें उत्तराखंड का 3रा स्थान है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ओवरऑल रैंकिंग में इस शानदार सुधार के बावजूद दोस्तों आर्थिक विकास के जो मोर्चा था उस पर राज्य को थोड़ा सा झटका लगा है। झटका क्या लगा है कि उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास के लक्ष्य में राज्य की रैंकिंग जो है वो पहले 6ठे स्थान पे थी, अब वो 8वें स्थान पर आ पहुंची है। और वन एवं पर्यावरण के लक्ष्य में दोस्तों उत्तराखंड 5वीं रैंकिंग से 13वें स्थान पर पहुंच गया है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इसमें 3 चीजें आपकी हैं कि उत्तराखंड का सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में कौन सा स्थान था। तो इसमें जो है आपको जो स्थान उत्तराखंड का देखने के लिए मिलेगा वो 3रा स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य में रैंकिंग क्या थी, उत्तराखंड की 3रे स्थान पे था। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की जो रैंकिंग जारी की गई थी इसमें उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास के लक्ष्य में जो राज्य है इसको क्या रैंकिंग दी गई थी, तो इसमें जो रैंकिंग इस उत्तराखंड को प्राप्त हुई थी वो 8वें स्थान पर था, या इससे पहले 6ठे में था वो 8वें में है। और वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में जो रैंकिंग दी गई है उत्तराखंड को वो 13वें स्थान पर है, 5वें से 13वें में उत्तराखंड पहुंच गया है। और जब राज्य सरकार से इसके बारे में बात की गई कि इन क्षेत्र में राज्य पीछे क्यों रहा, तो राज्य सरकार ने इसके लिए जो है COVID-19 महामारी को जिम्मेदार ठहराया है। ये आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, आपको चीजें ध्यान में रहे इसी के लिए आपको बता दिया है।
ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि गोपेश्वर में पहला ऑर्किड पार्क की स्थापना की गई है और 30 जुलाई 2021 को इसका उद्घाटन दोस्तों गोपेश्वर में किया गया है। ठीक है, तो जो ऑर्किड पार्क है दोस्तों, ऑर्किड एक प्रकार का फूल होता है जिसमें औषधीय गुण भी होते हैं और ये बहुत ज्यादा टाइम तक दोस्तों ताजा रहता है, जिस कारण से जो है अंतर्राष्ट्रीय पुष्प मार्केट जो होती है इसमें इसकी बहुत ज्यादा मांग होती है। तो गोपेश्वर जो चमोली में है इसमें जो है ऑर्किड पार्क की स्थापना की गई है, जो स्थापना जो है 30 जुलाई 2021 को की गई है। और ऑर्किड है एक प्रकार का पुष्प है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा मांग होती है और ये बहुत टाइम तक जो है दोस्तों ताजा रह सकता है, जिसके कारण से इसकी एक पार्क की स्थापना गोपेश्वर में की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1 जुलाई 2021 को हेमचंद्र पांडे को उत्तराखंड चिकित्सा रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड चिकित्सा रत्न से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका आंसर होगा हेमचंद्र पांडे को। और पिथौरागढ़ जनपद के अजय ओली जी को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से अजय ओली जी को सम्मानित किया गया है, जो पिथौरागढ़ जनपद के निवासी है। ये जो है इन्होंने भिक्षावृत्ति के खिलाफ जो है अपना एक आंदोलन किया है, जिसके लिए इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना 2021 के बारे में। तो फरवरी 2020 में उत्तराखंड राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण कार्यक्रम शुरू किया था और दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना एक ब्याज मुक्त कृषि ऋण योजना है, जो ऋण सुविधाओं के लिए 0% ब्याज दर से लेकर 3 से लेकर 5 लाख रुपए तक है और बिना ब्याज के 3 लाख रुपए तक के ऋण आप छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं, जबकि किसान संघ जो है वो 5 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण के लिए लिए जा सकते हैं। और सहकारी किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय कल्याण योजना की जो शुरुआत है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 6 फरवरी 2021 को की थी। इस योजना के तहत 25,000 किसानों को खेती के साथ साथ मछली पालन, सब्जी, पशुधन, मौन पालन आदि के लिए ऋण आवंटित किए गए थे। तो दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना का संबंध जो है वो जो किसान है उन्हें ऋण मुक्त ब्याज मुहैया कराने के लेकर है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि पवनदीप राजन को उत्तराखंड सरकार के द्वारा कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और उत्तराखंड का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर जो है वो भी पवनदीप राजन को बनाया गया है। आप सभी को पता होगा इंडियन आइडल जो है उनके टाइटल के विजेता पवनदीप राजन रहे थे और अभी इन्हें उत्तराखंड सरकार के द्वारा कला, पर्यटन और संस्कृति और साथ ही साथ टूरिस्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आगे बात करें तो उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई है। ये जो अभियान है COVID-19 को देखकर किया गया एक अभियान है जो हरिद्वार जनपद में किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई थी, तो आपको ध्यान में रखना है कि हरिद्वार जनपद में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई थी। आगे बात करते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा बग्वाल मेले को जो है राजकीय मेले का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। और साथ ही साथ दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद के कुमाऊं में दोस्तों पहला ऑर्किड गार्डन बनाया जाएगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए लकड़ी से बने 150 साल पुराने गरतांग गली वुडन ब्रिज को ओपन कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो जो गरतांग गली का जो एक पुल है 150 साल पुराना जो पुल है इसे 59 साल के बाद फिर से दोबारा खोल दिया गया है। ये जो पुल है दोस्तों भारत और तिब्बत के मध्य प्राचीन समय में व्यापार हेतु गरतांग गली ब्रिज का जो है प्रयोग किया जाता था और जो गरतांग गली ब्रिज है ये नीलांग घाटी जो है वो उत्तरकाशी में जो है वहां ये स्थित है। ये जो पुल है दोस्तों 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बाद इसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था, आर्मी इसका यूज करती थी, लेकिन फिर से 59 साल के बाद इसे खोल दिया गया है। इससे रिलेटेड जो एक वीडियो है वो उत्तर पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहें तो आप उसे भी जरूर देखें। तो नीलांग घाटी अगर आपसे इसमें से क्वेश्चन बनेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गरतांग गली ब्रिज जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है कि नीलांग घाटी उत्तरकाशी में स्थित है जो 59 साल के बाद दोबारा इसे खोला गया है। 150 साल पुराना ये ब्रिज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान 2021 के बारे में। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान 2021 से नवाजा गया है।
आवाज साहित्य संस्था की ओर से ये जो सम्मान है ये दिया जाता है। और इस बार का जो 2021 का जो सम्मान है यानी कि स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि आवाज साहित्य संस्था नाम की एक जो संस्था है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। 2021 के लिए नरेंद्र नेगी जी को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आदित्य सील को दोस्तों देहरादून फिल्म फेस्टिवल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया है। 6वें देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन जो है वो 17 सितंबर से किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 है इसमें मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था तो आपको ध्यान में रखना है कि आदित्य सील को इसमें मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 2021 में आयोजित होने वाला 15वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। और भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो सूर्य किरण है इसका 15वां संस्करण जो है 20 सितंबर 2021 से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास सूर्य किरण जो है इसका पिछला संस्करण 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था। तो इससे जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं तो सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है किन देशों के मध्य किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत और नेपाल के मध्य जो सैन्य अभ्यास किया जाता है उसका नाम है सूर्य किरण। अगला क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि 15वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास कहां किया गया था, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में से आयोजित किया गया था सूर्य किरण अभ्यास को। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तराखंड की चौबटिया में दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच 2 सप्ताह का सैन्य अभियान जो है शुरू किया गया है। 7 अक्टूबर को भारत तथा ब्रिटेन ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के चौबटिया में 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास शुरू किया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो सैन्य अभियान है वो कहां किया गया था, उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और ब्रिटेन के बीच का 2 सप्ताह का सैन्य अभियान है जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तराखंड के जो 7 उत्पाद हैं उन्हें जीआई टैग मिला है। तो उत्तराखंड में कुमाऊं चूरा ऑयल, मुंशारी राजमा, उत्तराखंड का भोटिया डंद और उत्तराखंड ऐपण, उत्तराखंड रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद और उत्तराखंड थुलमा उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों जीआई जो है इसका पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है उत्तराखंड के 7 उत्पादों को दिया गया है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो 7 उत्पाद हैं उनमें है कुमाऊं चूरा ऑयल, मुंशारी राजमा, उत्तराखंड का भोटिया डंद, उत्तराखंड ऐपण, उत्तराखंड रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद और उत्तराखंड थुलमा। आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि जीआई होता क्या है। तो जीआई का जो मतलब होता है दोस्तों वो है एक टैग है, एक प्रतीक है जो मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। जिस वस्तु को यह टैग मिलता है वह उसकी विशेषता को बताता है। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो जीआई टैग यह बताता है कि किसी उत्पाद विशेष का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है या यह कहाँ बनाया जाता है। ये जो सभी हैं ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में ही पैदा होते हैं और इनमें से कुछ चीजें जो हैं भोटिया दन हो गई, उत्तराखंड ऐपण हो गए, रिंगाल क्राफ्ट हो गए, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में ही बनाए जाते हैं। यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन उत्पादों को दिया गया है। ये 7 उत्पाद हैं जिनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तराखंड के देवेंद्र मवाड़ी को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो देश की 20 भाषाओं की 20 किताबों को वर्ष 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। इनमें 7 किताबें कविता की, 2 उपन्यास की, 5 लघु कथाएं, 2 नाटक की और एक जीवनी आत्मकथा, आलोचना और महाकाव्य की है। तो नैनीताल जिले में ओखल कांडा के कालागर गाँव में जन्मे वरिष्ठ लेखक, पत्रकार और विज्ञान कथाकार 73 वर्षीय देवेंद्र मेवाड़ी जी को साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। तो ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, देवेंद्र मेवाड़ी जी को बाल साहित्य पुरस्कार जो है 2021 से सम्मानित किया गया है। ये जो है आपके नैनीताल जिले से इनका संबंध है, देवेंद्र मेवाड़ी जी का, जिन्हें बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपनी सरकार पोर्टल का शुभारंभ उत्तराखंड में किया गया है। तो इस पोर्टल की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है और इस डिस्ट्रिक्ट की सारी सुविधाएं दोस्तों अपनी सरकार पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएंगी। और इस पोर्टल में लगभग 243 अधिसूचित सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया जाएगा और लगभग 3 माह के बाद ये सारी सुविधाएं पोर्टल में नागरिकों के लिए उपलब्ध कर दी जाएंगी और आम नागरिकों को ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से मिलने वाली सेवाएं जो है वो अपनी सरकार पोर्टल पर कर दी जाएंगी,
जिससे कि उत्तराखंड के निवासियों को जरूरी सेवाओं के लिए अब किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे, जिससे कि अब आम नागरिकों को घर बैठे अपनी सरकार पोर्टल पर सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। यानी कि अपनी सरकार पोर्टल से बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जो दी जाती थी वो अब अपनी सरकार पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसके लिए अब आपको जो आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र आपका है या आपका जाति प्रमाण पत्र है, इस टाइप के जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं उसके लिए आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपनी सरकार पोर्टल से जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप वहीं से इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपनी सरकार पोर्टल जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, तो अपनी सरकार पोर्टल जो है उत्तराखंड के सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है। तो अपनी सरकार पोर्टल का जो संबंध है वो उत्तराखंड के द्वारा है, जिसमें जो है दोस्तों बहुत सारी जो ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से मिलने वाली सेवाएं हैं उसको अपनी सरकार पोर्टल में सुचारू रूप से चालू किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि घशारी कल्याण योजना 2021 के बारे में। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री घशारी कल्याण योजना के तहत 7,771 केंद्रों के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पशुओं के चारा आपूर्ति के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इन क्षेत्रों में पशुपालकों को पैक्ड सिलेज और कुल मिश्रण राशन यानी कि TMR प्रदान किया जाएगा। जो ये CM घशारी कल्याण योजना है उन महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत होगी जिन्हें जंगल से चारा इकट्ठा करते समय कष्टों और खतरों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। और आपको ये बता दें कि उत्तराखंड राज्य में जो महिलाएं हैं जंगल से घास यानी कि चारा लाती हैं उन्हें क्षेत्रीय भाषा में घशारी के नाम से बुलाया जाता है, इसलिए इस योजना का जो है लाभ जो है महिलाओं को ही मिलेगा। यानी कि घशारी कल्याण योजना का संबंध जो है उन महिलाओं के लिए है जो जो जंगल में जाके अपने गाय भैंसों के लिए जो चारा है उसको काट के लाती हैं, यानी कि जो घास काटने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको ध्यान में रखकर घशारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है। घशारी जो है उत्तराखंड की जो भाषा है उसमें घास काटने वाली जो महिलाएं होती हैं जो अपने पशुओं के लिए चारा लाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, घशारी कहा जाता है, तो उन्हीं के लिए योजना बनाई गई है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि ऋषिकेश एम्स व IIT रुड़की के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया गया है, जिसका संबंध दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को फोन के माध्यम से ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों का परामर्श मिल सकेगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट उड़ान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ऋषिकेश का एम्स है और IIT रुड़की के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को शुरू किया गया है, जिसका संबंध है पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने से है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज फोन के माध्यम से ही एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सालाना मृत्यु दर के मामले में हिमालयी राज्यों में जो है उत्तराखंड का दूसरा स्थान रहा है। उत्तराखंड सालाना मृत्यु दर के मामले में हिमालयी राज्यों में हिमाचल के बाद दूसरे स्थान पर है। यह खुलासा जो है रजिस्टर जनरल व जनगणना आयुक्त की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट से ही हुआ है और रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल की मृत्यु दर 6.9% है, जबकि उत्तराखंड की जो मृत्यु दर है वो 6.0% है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो है उत्तराखंड सालाना मृत्यु दर के मामले में हिमालयी राज्यों में कौन से स्थान पर है, तो आपको ध्यान में रखना है कि दूसरे स्थान पर उत्तराखंड सालाना मृत्यु दर के मामले में है। पहले स्थान पर आपका हिमाचल प्रदेश है जिसकी मृत्यु दर 6.9 है और उत्तराखंड की मृत्यु दर 6.0 है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है CDS जनरल विपिन रावत जो है 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और ये जो इनका संबंध है उत्तराखंड के गांव सैण गांव पौड़ी गढ़वाल से इनका संबंध है और CDS जनरल विपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर था MI-17V5 वो 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये जो थे 63 साल के थे दोस्तों और जनरल विपिन रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक भारतीय सेना में थल सेना प्रमुख रहे थे और 1 जनवरी 2020 को ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बने थे। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि CDS विपिन रावत का संबंध उत्तराखंड के किस गांव से था, तो आपको ध्यान में रखना है कि सेड़ गांव पौड़ी गढ़वाल से इनका संबंध था। दूसरा उत्तराखंड के यानी कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो आपको बताना है कि ये जो थे वो थे आपके जनरल विपिन रावत और 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन थे, तो वो थे आपके दोस्तों जनरल विपिन रावत। ठीक है, तो जनरल विपिन रावत एक महान शख्सियत थे जिनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में अभी हाल ही में निधन हो गया था। तो ये उत्तराखंड के सैण गांव पौड़ी गढ़वाल से संबंध रखते थे और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 2015 से 2020 तक की उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं के बारे में, जिसमें प्रमुख योजना है दोस्तों
खिलती कलियां योजना, जिसकी शुरुआत दोस्तों 14 अगस्त 2015 को की गई थी, जिसका जो उद्देश्य था कुपोषित बच्चों को नियमित मात्रा में पोषण तत्व दिए जाना व समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराना खिलती कलियां योजना का उद्देश्य था। अगली जो योजना है वो है इंदिरा अम्मा योजना, जो शुरू की गई थी 15 अगस्त 2015 को, जिसका उद्देश्य था इस योजना के तहत 20 रुपये प्रति थाली की दर से सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाना इंदिरा अम्मा योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2015 को करी गई थी। अगली योजना है पाल योजना, जिसकी जो शुरुआत थी वो 3 अक्टूबर 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य जो था दोस्तों वो अनाथ बच्चों को गोद लेने से संबंधित ये योजना थी, पालन योजना, जो 3 अक्टूबर 2015 को उत्तराखंड में शुरू की गई थी। अगला योजना है मेरा पेड़ मेरा धन योजना, जो 2015 में स्टार्ट की गई थी और इसका जो उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण का, इसका मेन उद्देश्य था मेरा पेड़ मेरा धन। और अगली जो योजना है वो है चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना, जिसकी शुरुआत 27 दिसंबर 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य जो था चार धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना, इसका मेन मकसद था। चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड में 27 दिसंबर 2016 को की गई थी। अगली जो योजना है वो है गंगा ग्राम स्वजल योजना, जिसकी शुरुआत 20 फरवरी 2018 को की गई थी। अगली योजना है दोस्तों अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2018 को की गई थी। और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्य के 23 लाख परिवार को स्वास्थ्य के लाभ देने से रिलेटेड अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना थी। नेक्स्ट योजना की बात करें तो आंचल अमृत योजना जो है वो 7 मार्च 2019 को उत्तराखंड में शुरू की गई थी। और आंचल अमृत योजना का जो उद्देश्य था वो था आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 100 मिलीग्राम जो है दूध मिलेगा। ये जो है आंचल अमृत योजना के अंतर्गत ये बात कही गई थी। अगली योजना की बात करें तो देश को जानो योजना जो है 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट की गई थी, जिसका उद्देश्य था 10वीं कक्षा के टॉप रैंकर्स बच्चों को भारत भ्रमण पर भेजा जाएगा। ये उत्तराखंड की एक योजना थी जिसका नाम था देश को जानो योजना। अगली जो योजना है वो है कि मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, जिसकी शुरुआत दोस्तों 2019 में की गई थी, जिसका उद्देश्य जो था प्रोफेशनल कोर्स के टॉप 25 बच्चों को 50% की स्कॉलरशिप जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा दी जानी थी। तो मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। अगली योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना, जो 15 अगस्त 2019 को उत्तराखंड में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, जिसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को की गई थी। और मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का जो मेन उद्देश्य था वो राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति माह 2 किलोग्राम दाल 44 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से देने के लिए योजना चलाई गई थी, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। अगली जो योजना है उसका नाम है उत्तराखंड में रूफटॉप सोलर योजना फेज 2, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2020 को की गई थी। उत्तराखंड में रूफटॉप सोलर योजना फेज 2 का जो मेन उद्देश्य था वो था यदि कोई अपने घरों की छत पर सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहता है तो सरकार उसे उसके लिए सब्सिडी देगी, रूफटॉप सोलर योजना फेज 2 के अंतर्गत। अगली जो योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसकी शुरुआत 28 मई 2020 को की गई थी। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है वो उसका जो मेन उद्देश्य था वो स्वरोजगार को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य था। अगली योजना के बारे में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2020, जिसकी शुरुआत जो है 8 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड में की गई थी। और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2020 का जो उद्देश्य था वो था बेरोजगार युवाओं किसानों प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना, इसका मेन उद्देश्य था। और अगली जो योजना है उसका नाम है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, जिसकी शुरुआत 21 अक्टूबर 2020 को करी गई थी। और एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का जो मेन उद्देश्य था वो कृषि को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य था। अगली जो योजना है वो है ई कंसल्टेशन सुविधा, जिसका जो शुरुआत थी वो 24 मई 2021 को की गई थी। ई कंसल्टेशन सुविधा का जो मेन उद्देश्य था वो उत्तराखंड में प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के शिक्षकों व उनके स्वजनों के लिए ई कंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई थी। अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, जिसकी शुरुआत दोस्तों 17 जुलाई 2021 को की गई थी। और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का जो मेन उद्देश्य है इस योजना के तहत बेटी के जन्म लेने पर माता माता और पिता को एक महालक्ष्मी किट राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के अंतर्गत उद्देश्य था। तो ये थी दोस्तों 2015 से 2020 तक की आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो है वो इस
वीडियो के लास्ट में हमने कवर करने की कोशिश की थी। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा, आपको हमारा जो प्रयास है जिसके अंतर्गत हम आप लोगों के लिए 2021 के जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स लेके आए थे ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो।